जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद। एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच रहे हैं पुरधाम। आज मोखरा साध्वी जो पुरधाम में पधारी हैं, वो बताएंगी कि वो खड़ी तपस्या करने जा रही हैं। खड़ी तपस्या कब से शुरू होगी? रविवार से उन्होंने जैसे बताया है, तो रविवार से झाड़े लगेंगे या नहीं लगेंगे, किस प्रकार के झाड़े अभी लगाएंगे, झाड़े का क्या टाइम रहेगा, किस दिन कौन सा झाड़ा लगेगा, और वो अपनी खड़ी तपस्या के अंदर उसके बाद कैसे वो मिट्टी की तपस्या करेंगे और उसके बाद जलधारा की तपस्या करेंगी, ये सारी जानकारियां हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी बने रहें। आपको आज हम लेकर चल रहे हैं पुरधाम, और पुरधाम में साध्वी जी से आपको समझवाएंगे, बताएंगे कि कैसे वो खड़ी तपस्या के बाद भी लोगों का भला करने से नहीं पीछे हटती हैं। समय समय पर जो भी झाड़े का नियम बदलता है या टाइम बदलता है, वो आप तक पहुंचाया जाता है। आप सभी जुड़े रहें, आपको हम लेटेस्ट जानकारी जो भी पुरधाम से प्राप्त होगी आपको देते रहेंगे। जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। पहले नंबर था, वो नंबर किसी कारण से बंद हो गया है, और उस नंबर पे वो तकरीबन नंबर ऑफ ही रहता था। तो तकरीबन जो यहाँ भक्त आते थे वो हमें बताते थे कि आपका नंबर बंद रहता है, तो मैं नया नंबर जारी कर रही हूँ। वो नंबर है 9050 42 99 94। ये फ़ोन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। कोई भी धाम के बारे में, आने जाने के बारे में, झाड़े के बारे में कुछ भी पूछना चाहता है तो इस नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें, बात जरूर होगी। जो भी बोलेगा उसे अपनी परेशानी बताएं, आपकी समस्या का समाधान करा जाएगा। ये हमारा नंबर है 9050420994। ये कौन कौन से बार कौन कौन सा झाड़ा लगता है जी, बताना एक बार। सोमवार को जी, जो माताएं बहनें अपने बच्चे की वजह से किसी वजह से परेशान हैं, वो सोमवार को आएं 9 से 12 के बीच में। सुबह भी आ सकती हैं जल्दी, पर 12 बजे से पहले पहले यहाँ पहुँच लें। और मंगलवार को 9 से 5 झाड़ा लगेगा, और बृहस्पतिवार जिसको वीरवार भी कहते हैं उसको भी 9 से 5 झाड़ा लगेगा, और शनिवार को भी 9 से 5 झाड़ा लगेगा, और रविवार को 9 से 5 लगेगा। 9 से 12 बजे तक तो लगता है झाड़ा, और 12 से 3 बजे तक छुटती है दारू और जो नशे और जो भी करते हैं, और 3 बजे से 5 बजे तक फिर झाड़ा लगता है।